तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? मेरे जीवन देश के लिए समर्पित है। कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज अदालत में दो मामलों पर सुनवाई होनी है। आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार मनी ट्रेल पर सवाल किए जा रहे हैं। वहीं ईडी रिमांड में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आदेश जारी करने के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। आज दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। उधर CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बयान की भी चर्चा हो रही है। सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि केजरीवाल कोर्ट में इस बात का खुलासा करेंगे कि शराब घोटाले का पैसा कहाँ है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल 28 मार्च यानी आज कोर्ट में उसके बकायदा सबूत भी देंगे। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। लेकिन देखना होगा कि आज कोर्ट में किस तरह की कार्यवाही होती है, वो काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जब पहली बार पहुंची थी तो 150 पन्नों का एक डोजर मिला था। उसके अलावा केस से जुड़े कई सारे अहम दस्तावेज भी मिलने का दावा किया जा रहा है।